तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त के कान्हा और आप देख रहे हैं कान्हा इलेक्ट्रॉनिक जीनियस। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, आज मेरे पास लुमिनस कंपनी का इन्वर्टर रिपेयर होने के लिए आया है, जिसमें आप सामने का नजारा देख सकते हैं। ये मेरा मॉडल है लुमिनस का, जो 1450 का है दोस्तों, शक्ति चार्ज प्लस। ये मेरा मॉडल है, तो इसमें हम दिखाते हैं आपको फॉल्ट कि क्या फॉल्ट है। दोस्तों, इसमें फॉल्ट हमको कस्टमर बता के गया है कि इसमें कोई चीज़ काम नहीं कर रहा है, मतलब ये पूरी तरह से डेड है। तो चलिए हम पहले बैटरी से कनेक्ट करके देखते हैं कि क्या कंडीशन है इसमें। और ये हमने प्लस यहाँ से कनेक्ट कर लिया है और माइनस को हमको यहाँ से कनेक्ट करना है। दोस्तों, यहाँ से हमने माइनस को कनेक्ट कर लिया है और यहाँ से हमने प्लस को, और सामने देख सकते हैं आप, मेरा कोई इंडिकेट नहीं है डिस्प्ले पर। और स्विच को ऑन ऑफ करके देख लेते हैं हम एक बार, कोई इंडिकेट नहीं है दोस्तों, मतलब ये पूरी तरह से मेरा डेड है दोस्तों, ये इन्वर्टर पूरी तरह से डेड है। तो चलिए दोस्तों, इसको पहले ढक्कन को खोलते हैं और देखते हैं कहाँ से क्या फॉल्ट है जिसके कारण ये मेरा इन्वर्टर पूरा डेड है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो या फिर न्यू आए हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड एक नए फॉल्ट पर, एक नए टॉपिक पर अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सामने देखा स्क्रीन पर, ये मेरा इन्वर्टर जो है सो पूरी तरह से डेड है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरा कहाँ से फॉल्ट है जिसके कारण मेरा ये स्विच ऑन भी नहीं हो रहा है, पूरी तरह से डेड है? तो चलिए, मीटर को हम ग्राउंड कर लिए यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ से। और सबसे पहले 12 वोल्ट चेक करते हैं कि मेरा 12 वोल्ट इसमें इन हो रहा है कि नहीं। हमने यहाँ से कनेक्ट कर लिया माइनस और प्लस यहाँ से, तो चलिए इसको 12 वोल्ट चेक करते हैं पहले। और सामने देख सकते हैं मेरा 12 वोल्ट इन हो रहा है, मतलब इसका फ्यूज मेरा सही है। इस कंडीशन में ज़्यादातर मेरा फ्यूज कट जाता है, लेकिन मेरा यहाँ का फ्यूज सही है, अभी मेरा 12 वोल्ट इन हो रहा है सर्किट में। आगे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा माइक्रो कंट्रोल लगा हुआ है, मेन आईसी, इस आईसी को ऑन होने के लिए 5 वोल्ट का जरूरत होता है, जो रिसेट वोल्ट होता है। तो इस आईसी के पिन नंबर 20 है जो रिसेट वोल्ट है, यानी इस आईसी के पिन नंबर 20 पर मेरा 5 वोल्ट होना चाहिए, तभी मेरा जो है इन्वर्टर ऑन होगा। तो चलिए हम चेक करते हैं आईसी के पिन नंबर 20 पर कि मेरा 5 वोल्ट इनपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सामने देख सकते हैं मेरा दोस्तों, कोई भी आईसी का सिंबल होता है, एक साइड जो आप देख सकते हैं यहाँ कट का निशान लगा हुआ है, इधर से मेरा एक पिन है, 1 2 3 4, इधर से मेरा स्टार्ट होगा और ऐसे इधर से होते हुए मेरा इधर से पिन का गिनती गिनाएगा। तो इधर मेरा 14 यहाँ तक हो गया दोस्तों, 14 2 28 पिन का आईसी है, तो 14 इधर हो गया, 14 के बाद 15 16 17 18 19 20 मेरा ये है। तो चलिए 20 नंबर पर हम इसका वोल्ट चेक करते हैं, 14 15 16 17 18 19 20। दोस्तों, 20 पर हम चेक कर पा रहे हैं, जैसा कि आप मीटर पर देख रहे हैं, मेरा कोई वोल्ट नहीं बन रहा है, यानी इस आईसी को मेरा 5 वोल्ट नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, इस आईसी के लिए 5 वोल्ट कहाँ से आता है, आप सामने देखें, यहाँ 50-50 ट्रांजिस्टर लगा रहता है, इसका नंबर आप देख सकते हैं 50-50 ट्रांजिस्टर है, इसका नंबर 50-50 है दोस्तों। तो इधर से मेरा आउटपुट होगा 5 वोल्ट इस ट्रांजिस्टर पर, तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा कोई वोल्ट मौजूद नहीं है। जैसा कि 20 पर मेरा 0.50 वोल्ट आ रहा था, वैसे ही यहाँ पर आ रहा है, इस ऐसे कि 20 नंबर पर 0.50 आ रहा था मेरा ये मीटर पर रीडिंग, वैसा ही यहाँ पर मेरा देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों, ये मेरा बीच का ग्राउंड है, इधर मेरा 12 वोल्ट होना चाहिए, 12 वोल्ट से मेरा ये रेगुलेटर 5 वोल्ट बनाता है इस आईसी के लिए। तो ये मेरा देख सकते हैं मेरा 12 वोल्ट है कि नहीं, यहाँ मेरा 12 वोल्ट भी मौजूद नहीं है। तो मेरा 12 वोल्ट मौजूद नहीं है, तो 5 वोल्ट कहाँ से बनेगा? तो मेरा 12 वोल्ट इसको नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण मेरा आईसी के लिए 5 वोल्ट नहीं बन रहा है। तो ये 12 वोल्ट कहाँ से आता है दोस्तों, आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पर एक ठो रेजिस्टेंस लगा रहता है, ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये मेरा 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा रहता है दोस्तों यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर मेरा वोल्ट आ रहा है 12 वोल्ट कि नहीं आ रहा है, सामने देख सकते हैं मीटर पर मेरा यहाँ पर 12 वोल्ट आ रहा है, और इसका आउट साइड देखते हैं मेरा वोल्ट बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, इधर के साइड में मेरा वोल्ट नहीं आ रहा है, क्या आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इस साइड मेरा 12 वोल्ट मौजूद है, बट इस रेजिस्टेंस के आउटपुट में मेरा
ये वॉल्ट मौजूद नहीं है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मेरा कहीं ना कहीं तो ये रेजिस्टेंस से ही फॉल्ट है। तो चलिए दोस्तों इसको हम ओपन करते हैं रेजिस्टेंस को और फिर देखते हैं कि मेरा रेजिस्टेंस कटा हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों फाइनली हम इस किट को खोल लिए हैं और एक बार फिर हम चेक करते हैं वोल्ट को मेरा। ये मेरा 12 वोल्ट यहाँ पर मिल रहा है और ये रेजिस्टेंस से होकर मेरा यहाँ से 12 वोल्ट इन होता है और इधर से आउटपुट होकर इस 50-50 ट्रांजिस्टर के इनपुट पर यहाँ पर 12 वोल्ट आती है और इधर से मेरा 5 वोल्ट आउट करती है। तो जैसा कि आगे आप देख सकते हैं, आगे आप देखे होंगे कि यहाँ तो मेरा वोल्ट मेरा मौजूद है 12 वोल्ट और आउटपुट में मेरा जो ये रेजिस्टेंस के कोई वोल्ट नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों ये लीकेज हो गया होगा, दोस्तों ये रेजिस्टेंस जो है ये लीकेज हो गया होगा यहाँ पर। ये यहाँ पर 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा रहता है। तो चलिए इसको हम रिप्लेस करते हैं, यहाँ इसको निकाल के चेक करते हैं कि रेजिस्टेंस मेरा कटा हुआ है कि नहीं। और इसमें जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो कैपेसिटर जो लगा रहता है ये यहाँ पर वीक हो गया है, फूल गया है। तो इसके साथ साथ हम ये दोनों कैपेसिटर को भी चेंज कर देंगे। तो चलिए हम चेंज करके बताते हैं आपको कि मेरा 5 वोल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा रेजिस्टेंस लगा हुआ था उसको निकाल कर हमने यहाँ पर 10 ओम का न्यू रेजिस्टेंस डाल दिए। पुराना वाला रेजिस्टेंस आपको हम दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं मेरा पुराना वाला रेजिस्टेंस था जो कट गया है दोस्तों, और यहाँ पर जो कैपेसिटर वीक हो गया था, फूल गया था, उसको भी हमने चेंज कर दिया है। आप सामने देख सकते हैं ये मेरा कैपेसिटर था इसका लगा हुआ। और अब चलिए हम वोल्टेज को चेक करते हैं कि मेरा 12 वोल्ट आउटपुट दे रहा है कि रेजिस्टेंस पर, रेजिस्टेंस से मेरा 12 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर तो मेरा वोल्ट मिल रहा था लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर हमको 12 वोल्ट मिलना चाहिए और यही वोल्ट दोस्तों 50-50 के ट्रांजिस्टर पर यहाँ पर आएगा इनपुट पर 12 वोल्ट और इधर से मेरा 5 वोल्ट बनाएगा ये आईसी के लिए। तो चलिए वोल्ट को चेक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ से हमने कनेक्ट कर लिया बैटरी का प्रॉप और स्विच को ऑन करते हैं। दोस्तों सामने देख सकते हैं मेरा बीप का आवाज आने लगा, मतलब जो इन्वर्टर मेरा ऑन हो गया है। तो चलिए वोल्ट को चेक करते हैं मेरा 5 वोल्ट ओके हुआ कि नहीं। सामने देख सकते हैं मेरा 12 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है, यही वोल्ट मेरा रेजिस्टेंस के यहाँ पर मिलता है इनपुट पर, ये मेरा 12 वोल्ट आ रहा है। और आउटपुट में भी देख सकते हैं यहाँ पर भी मेरा 12 वोल्ट मिलना चाहिए जो कि पहले नहीं मिल रहा था दोस्तों, अब यहाँ पर मेरा 12 वोल्ट मिलने लगा। अब यही वोल्ट मेरा ये रेगुलेटर 50-50 ट्रांजिस्टर के रेगुलेटर यहाँ पर मिलेगा 12 वोल्ट जो कि मिल रहा है, और आउटपुट में मेरा 5 वोल्ट मिलना चाहिए। अब सामने देख सकते हैं 5 वोल्ट, और यही वोल्ट मेरा ये आईसी के पिन नंबर 20 पर 5 वोल्ट इनपुट होता है, देख सकते हैं इस आईसी के पिन नंबर 20 पर 5 वोल्ट इनपुट होने लगा। तो इस मेरा जो फॉल्ट था वो क्लियर हो गया है दोस्तों। और चलिए इसको हम फाइनली चेक कर लेते हैं सेट करके कि मेरा आउटपुट वगैरह सारा चीज़ सही है कि नहीं। तो फाइनली दोस्तों हम सर्किट को पूरी तरह से सेट कर लिए हैं और चलिए स्विच को देते हैं, बैटरी से भी कनेक्ट कर चुके हैं। और इस सामने देख सकते हैं मेरा UPS ऑन हो चुका है, मेरा आउटपुट भी दे रहा है देख सकते हैं आप दोस्तों। तो इसमें चलिए लाइन देकर देख लेते हैं। और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें लाइन इनपुट भी हो चुका है मेरा, और ये फैन भी चल रहा है, मेरा बैटरी चार्ज हो रहा है। यहाँ सामने देख सकते हैं मेरा एम्पियर भी ले रहा है 12 एम्पियर तक, मतलब जो मेरा फॉल्ट था वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों आपने देखा एक छोटा सा रेजिस्टेंस के कारण मेरा ये पूरी तरह से इन्वर्टर डेड पड़ गया था। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पर, एक नए फॉल्ट पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।